हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी ऐप। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस का 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और देखिए, बार बार हम आपको एक ही बात बताते हैं कि जो है क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए ये जो पेपर है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं, आज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन। जो 5 क्वेश्चंस आते हैं पहले उनको देखेंगे, फिर उसके बाद लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। और ये आपका देखिए 1 घंटे का पेपर होता है, यानी कि आप लोगों को 1 घंटे में ये पूरा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन 1 देखते हैं। घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? तो ऑप्शन आ है संवहन द्वारा, ऑप्शन बा है चालन द्वारा, ऑप्शन सा है क्वथन द्वारा, या ऑप्शन दा है वाष्पन द्वारा। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है वाष्पन द्वारा, यानी कि आपका जो दा ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजुसेट क्या है? तो इसमें ऑप्शन आ है शैक्षिक समिति, ऑप्शन बा है शैक्षिक उपग्रह, ऑप्शन सा है शैक्षिक कार्यक्रम, या ऑप्शन दा है शैक्षिक प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है शैक्षिक उपग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है? तो ऑप्शन आ है ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बा है निचली सतह पर, ऑप्शन सा है डंठल पर, या ऑप्शन दा है प्रणाधार पर। तो इसका राइट आंसर जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से जानते होंगे जो ये पत्ती होती है, और जो पत्ती का ये जो निचला भाग होता है ये खुरदरे टाइप का होता है। ये लोग ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से निचली सतह पर ये बनती हैं, यानी पत्ती में जो पाया जाने वाला रंध्र है वो कहाँ पर स्थित होता है? तो वो निचली सतह पर होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब अधिक होता है? ऑप्शन आ है बैठने पर, ऑप्शन बा है एक पैर पर खड़े होने पर, या ऑप्शन सा है दो पैरों से खड़ा होने पर, या ऑप्शन दा है लेटने पर। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा आपका हो जाता है, एक पैर से खड़ा होने पर, ठीक है ना। कब दाब अधिक पड़ता है? तो एक पैर से खड़े होने पर। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन 5 आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन आ हो जाता है रोटी में, ऑप्शन बा हो जाता है चीनी में, ऑप्शन सा हो जाता है नमक में, या ऑप्शन दा हो जाता है कोयला में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि नमक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि देखिए अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। उत्तर है इसका रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन है, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। तो इसमें जो उत्तर है वो देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन क्लोरोमाइसिटिन एंटीबायोटिक्स के उदाहरण हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए 2 प्रतिजैविक दवाओं के नाम पूछे, तो आप 2 भी लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको आते हैं तो आप ये 3 लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श रक्त दाब कितना होता है एवं रक्त दाब मात्रक यंत्र का नाम लिखिए। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। देखिए, स्वस्थ मनुष्य का दाब यानी कि बीपी कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। और देखिए, प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो 120 Hg, तथा शिथिलन दाब 80 Hg दर्शाता है। रक्त दाब नापने के यंत्र को स्पाइगेनोमेनोमीटर कहते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुरगाहा है? तो इसमें आंसर जान लेते हैं। मानव कान एक निश्चित सीमा के बीच की सीधे आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है। यह सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकेंड अथवा हर्ट्ज है। और देखिए, एक हर्ट्ज बराबर कितना होता है? तो एक हर्ट्ज बराबर एक कंपन प्रति सेकेंड। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है? तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर गुब्बारा इसलिए ऊपर उठता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस वायु से हल्की होती है, और वायु से हल्की होने के कारण ही गुब्बारा ऊपर उड़ने लगता है। देखिए, वायु से हल्की कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन गैस होती है। और गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो हाइड्रोजन गैस भरी होती है, इसीलिए गुब्बारा वायु में ऊपर उड़ने लगता है, यानी उड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि देखिए इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आ जाती है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसमें ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि निकट में उत्तल होगा या अवतल होगा, इस तरीके की कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए जो उत्तल लेंस होता है वो किस में होता है? तो देखिए, देखिए निकट दृष्टि दोष में देखिए अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में फोकस दूरी वाला अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी कि ये आपके देखिए बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस और अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन है, यानी कि वैसे तो आपका ये 12वां क्वेश्चन है, लेकिन लघुत्तरीय टाइप का ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, वन संरक्षण एवं वन जीव संरक्षण के दो दो उपाय लिखिए। तो इसमें देखिए, वन संरक्षण पहले देख लेते हैं, वन संरक्षण के दो उपाय। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर हो जाता है जनन द्रव्य का संग्रह एवं संरक्षण, और सेकंड नंबर पर हो जाता है जीन बैंकों की स्थापना। ये आपके हो जाते हैं वन संरक्षण। और देखिए, वन्य जीव संरक्षण के बारे में हम देख लेते हैं, तो प्राकृतिक आवास प्रबंधन, और सेकंड नंबर पर है उद्यानों, संरक्षित क्षेत्रों एवं जंतु विहारों की स्थापना। आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रतिध्वनि किसी तल से परावर्तित ध्वनि को ही प्रतिध्वनि कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तित तल के बीच की कम से कम 16.6 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 16.6 मीटर। और देखिए, प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक भी ज़रूर कर दें, और हो सके तो आप लोग वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन यौगिक है क्या है?
यह कितने प्रकार का होता है उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर जान लेते हैं, कार्बन तथा हाइड्रो यानी कि कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, देखते हैं। देखिए जो पहला प्रकार है इसको देख लेते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, अर्थात कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त रहती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे देखिए मैथेन हो गया CH4, एथेन हो गया C2H6, ठीक है ना। देखिए इसमें ये एकल बंध के द्वारा है, जैसे कि देखिए मैथेन जो आपका हो जाता है वो एकल बंध द्वारा, सी देखिए सी और एच फोर, ठीक है ना। और देखिए एथेन जो हो जाता है C2H6, ये आपका हो जाता है मैथेन और एथेन, ये क्या हो जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देख लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिए जैसे एथिलीन C2H4, एसिटिलीन C2H2, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, देखिए ये देखिए डबल बॉन्ड, जैसे एथिलीन हो गया आपका, तो एथिलीन में C2H4, ठीक है ना, तो C2 और H4 हो जाता है, और एसिटिलीन में C2 और H2 हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमेह के रोगियों को अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, मधुमेह मतलब जो शुगर का पेशेंट, उसको बोलते हैं मधुमेह। तो यह रोगी की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है, जो इस तरह का रोगी होता है उसकी जो आवश्यकताएँ होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, तथा उसे इस प्रकार योजनाबद्ध करना चाहिए कि वह उसके अनुकूल हो, ठीक है ना। और देखिए ऐसे व्यक्ति जिनका वजन सामान्य है, अर्थात जो ना अधिक मोटे हैं ना दुबले हैं, और ना उनके मूत्र में कीटोन, क्या चीज़, तो कीटोन उपस्थित नहीं होता है, उन्हें केवल व्यायाम तथा व्यवस्थित आहार से लाभ होता है, उनको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है, मोटे लोगों के आहार को विशेष रूप से संयमित करने की आवश्यकता पड़ती है, और साथ साथ उन्हें शरीर परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए ऐसे लोगों के आहार में उन्हीं भोज्य पदार्थ का समावेश होना चाहिए जो मोटापा कम करे। और देखिए दुर्बल व्यक्तियों को केवल आहार नियंत्रण से लाभ ना हो तो अंततः उन्हें इंसुलिन या अन्य संबंधित औषधियां देनी होंगी। और देखिए जो बच्चों में मधुमेह की अवस्था उत्पन्न हो जाती है तो चिंता का विषय बन जाता है, इसके भोजन पर नियंत्रण रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि देखिए बच्चों को वही चीज़ें पसंद आती हैं जो मना की जाती हैं, और बच्चों को मना करना इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन जब वो बच्चों में मधुमेह की समस्या आ जाती है तो थोड़ा सा कंट्रोल करना कठिन हो जाता है। वैसे भी मधुमेह का उपचार मुख्यतः भोजन को व्यवस्थित करने से ही हो जाता है। और फ्रेंड्स आप लोगों के आसपास में अब तो ये बहुत, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये रोग हो गया है, यानी रोग से ग्रसित हैं हमारे चारों तरफ, ठीक है ना। इसमें उम्र यानी कि उम्र एज का कोई हिसाब ही नहीं है, किसी भी एज के लोगों को ये बीमारी घेर रही है। देखते हैं, देखिए आहार व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है आहार में उन्हीं भोज पदार्थों का समावेश हो जो कि मोटापा कम करें, वजन तथा लंबाई के अनुसार सामान्य हो। और देखिए सेकंड नंबर पर हो जाता है
भोजन की मात्रा उतनी ही हो जिससे निर्धारित कैलोरीज ही प्राप्त हो सके, अधिक नहीं। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे किन्हीं चार फलों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षण किया जाता है और उनके परिरक्षित खाद्य पदार्थों के नाम भी लिखिए। तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर। देखिए, परिरक्षण किए जाने वाले चार फलों में कौन कौन से हो जाते हैं, तो आम, सेब, अनानास, आंवला, चेरी इत्यादि हैं। और इनमें बनने वाले जूस, मुरब्बा, अचार इत्यादि परिरक्षित पदार्थ हैं, जैसे आम का जूस, जेली, अचार, मुरब्बा आदि बनाया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो हरित क्रांति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वर्ष 1966 से 67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीज भंडार, खाद सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में असातीत कम जोत में वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कब हुई थी, तो ये 1966-67 में हुई थी। और देखिए इसका जनक कौन है, यानी कि भारत में तो MS स्वामीनाथन, विश्व में कहा जाए तो बोरलॉग जी, ठीक है ना। आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 2018 में आया हुआ लास्ट क्वेश्चन है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति मनुष्य में रक्त शर्करा की मात्रा भोजन से पहले और भोजन के पश्चात कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में खाने से पहले रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज का स्तर 70 से 110 मिलीग्राम प्रति 100 मिली लीटर रक्त रहता है। खाने के बाद यह स्तर 110 से 140 मिलीग्राम प्रति 100 मिली हो जाता है और फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है, पर मधुमेह हो जाने पर यह स्तर सामान्य हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।